बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है, दक्षिणी बिहार में काफी ज्यादा सुखाड़ है। तो ये पहले भी था जब एनडीए का गठबंधन था, अब महागठबंधन आ गया, तो क्या लगता है कि ये सब खत्म हो जाएगा एकदम? अभी युवाओं का, आप छपरा से है ना? छपरा में ही जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है, बहुत सारे। बिहार में शराब बंद है ना, फिर भी बंद रहता है तभी होता है, 302 केस चलता है तभी मर्डर होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा लोग बहुत ज्यादा तादाद में। यादव तो बोले थे की हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 20 लाख रोजगार देने, 10 लाख कहे हैं, 20 लाख नहीं कहे, 10 लाख बोले, भरमाइए नहीं, हम लोग भरमने वाला नहीं है। 10 लाख यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मिल गए हैं, और क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर एन एन शाही। आपका सर? बैद्यनाथ प्रसाद सिंह। क्या कुछ कहना है, बिहार में नया बदलाव होने जा रहा है? बिहार में नया बदलाव जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार विकास करेगा और सांप्रदायिक शक्तियों पर अंकुश लगेगा। आप किस पार्टी को सहयोग कर रहे हैं? हम जनता दल को सहयोग कर रहे हैं। आप उसी पार्टी से हैं? जी हम उसी पार्टी। किस पद पर हैं? हम पहले उपाध्यक्ष थे प्रदेश के, आजकल राज्य परिषद के सदस्य हैं। तो अभी नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मिल करके आए हैं, क्या हुआ होगा अंदर आपके अनुसार? अरे उनका इस्तीफा हुआ होगा, फिर सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिला होगा, सरकार बनाएंगे, सब लोगों को मिलाकर चलाएंगे, फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल। आपके अनुसार क्या लग रहा है, जदयू का कितना मंत्री बन पाएंगे? यह मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तय करेंगे। अच्छा, अभी प्री मैच्योर है ये कहना। मैं डॉक्टर एन एन शाही हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जनता दल यू का। अच्छा अच्छा। और एक बात जान लीजिए कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने विकास किया है उसका कोई सानी नहीं। बिल्कुल। यहाँ ही नहीं, देश नहीं, विदेश में भी इसकी चर्चा होती है, उनके पास विजन है। आज आप पटना को देख रहे हैं, चारों तरफ सड़क, पुल, ओवरब्रिज देख रहे हैं, ये सब नीतीश कुमार जी के दिमाग का देन है। और आज सुख शांति है, हम लोग वो राज भी देखे हुए थे, लेकिन आज सुख शांति है, सब लोग अमन चैन से काम कर रहे हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब देश का प्रतिनिधित्व करें और प्रधानमंत्री बने। और बिहार के मुख्यमंत्री अब छोड़ दें? अब तो उसके बाद ना छोड़ेगा, अभी कैसे छोड़ेगा? अभी रहेंगे, अभी मुख्यमंत्री रहेंगे। वो अभी तो इस्तीफा दे दिए ना? नहीं, इस्तीफा दिए का 1 घंटा के बाद बन रहा है ना, वो तो कम में थे, 125 को में थे, अभी 160-165 को जा रहा है, देख के आए हैं। जी जी। और सरकार बनेगी और मेजोरिटी से बनने जा रहे हैं, दो तिहाई बहुत है। अगर आपको महागठबंधन से मिले हैं तो 179 आरजेडी का हुआ, 179 और सब मिला के 159 हो रहा है। नहीं, 161 कहाँ प्रोड्यूस हुआ, 161 कैसे? 161 आपको निर्दलीय मिला करके, 45 निर्दलीय मिला के, आप ही लोग के साथ में ही ना, हम लोग का सहयोग निर्दलीय का, सारे लोगों का। इसलिए पूर्ण बहुमत में मजबूती से सरकार हम लोग चलाएंगे। अच्छा। और नीतीश कुमार के देख रेख में सरकार बनेगी। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, अब सरकार जो बन रही है इसमें आपको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिखाई देगा। हाँ। अच्छा, आप लोग के अनुसार क्या लग रहा है कि जो गृह मंत्रालय है वो किसके पास रहेगा? इस पर मुख्यमंत्री का स्वाविवेक है, मुख्यमंत्री जी का स्वाविवेक है, मुख्यमंत्री जी। आप लोग कुछ नहीं बोलना चाह रहे? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री जी का स्वाविवेक से जिसको लायक, हम लोग छपरावासी उसके बावजूद कह रहे हैं कि उस पर हम लोग का कमेंट नहीं है। खाली मंदिर मस्जिद बंद हो जाए हम लोग खुश है, मंदिर मस्जिद बंद हो जाए हम लोग खुश, उसी से है विकास होना चाहिए। मंदिर मस्जिद बंद हो जाए और विकास हो। जी हाँ जी हाँ, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान ये बंद होना चाहिए। बिहार में लगातार बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है, दक्षिणी बिहार में काफी ज्यादा सुखाड़ है। तो ये पहले भी था जब एनडीए का गठबंधन था, अब महागठबंधन आ गया, तो क्या लगता है कि ये सब खत्म हो जाएगा एकदम? अभी युवाओं का, आप छपरा से है ना? जी हाँ। छपरा में ही जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, बहुत सारे। बिहार में शराब बंद है ना, फिर भी बंद रहता है तभी होता है, 302 केस चलता है तभी मर्डर होता है कि नहीं होता है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा तादाद में ज्यादा लोग मरे हैं गलत तरीके से। आप दारू पी के आदमी को नाचता था वो कहीं दिखाई दे रहा है? वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों विकास चाह रहे हैं,
और दोनों विकास का मिले हैं। देखिए बिहार में विकास कैसे होता है, मंदिर और मस्जिद करके जो भाजपा चला रही थी और ये महंगाई और बेरोजगारी को जो आदमी को धंस रहा था, जहरीला सांप था भाजपा। अब क्या महंगाई है जाके देखिए, गैस नहीं मिल रहा है, 24 रुपया आटा। नीतीश कुमार जैसा महापुरुष ने दिखा दिया है, बहुत हिम्मत का काम कर किया है और प्रधानमंत्री का मेटेरियल है सही में, प्रधानमंत्री को बधाई का पात्र है नीतीश कुमार। भाजपा को उन्होंने दिया है टक्कर, साधारण बात नहीं किया है। तेजस्वी भी चाह रहा है कि बिहार में विकास हो और नीतीश जी भी चाह रहे हैं विकास हो, अब क्या होगा? विकास ही विकास का काम होगा, मंदिर मस्जिद में जनता तो यही चाहती है कि हमारा विकास हो, किसान भी चाहते हैं। गरीबों का काम होगा, विकास जो होगा गरीबों का असली अपनी रूप में देखिएगा कि कैसे काम होगा। सामाजिक न्याय सरकार अभी न बना, अभी जो बनने जा रहा है सामाजिक न्याय का मजबूत सरकार बनने जा रहा है। चलिए इसका भी जनता को बेसब्री से इंतजार था, जनता भी अब देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि क्या होता है बिहार में, बिहार में सच में अब जो है बदलाव होगा कि नहीं होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, महंगाई से मुक्ति मिलेगी या भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, इन सब पर जो है अब ये लोग बोल रहे थे कि ये सबसे निजात मिलने वाला है, लेकिन देखना यह है कि कब निजात मिल जाता है। बिहार में नए गठबंधन के साथ सरकार बन रही है, तो अभी यहाँ पर कुछ नेता जी थे उनसे भी बातचीत हो रहा था, ये लोग बोल भी रहे थे कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बाढ़, सुकार और जो जहरीली शराब पीने से मर रहे थे, ये सब चीज़ें जो है अब कम होगा। अभी हमारे साथ कुछ और है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फुदेना रविदास हुआ जो है। आपका गमछी देख के लग रहा है कि आप आरजेडी से हैं। आरजेडी से है ये हैं। महागठबंधन महागठबंधन से है जो है। क्या लगता है ये सब जो खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो शराब पी करके लोग मर रहे थे, ये सब चीज खत्म हो जाएगा? दम जरूर दूर होगा, इसलिए दूर होगा कि नीतीश कुमार जी जो है इसको सबसे पहले तो दारू को जो है मैंने बंद मैंने कराए थे, है कि नहीं? तो गरीब जो है काफी मैंने जो है पी ऊ के जो मर रहा था जो है, तो सबसे पहले इसको मैंने अथी किए। खत्म हो जाएगा? खत्म होगा नहीं, खत्म धीरे धीरे तो खत्म हुआ ना है, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। रोड पर मैंने तेजस्वी यादव तो बोले थे कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 20 लाख रोजगार देने, 10 लाख कहे हैं, 20 लाख नहीं कहे, 10 लाख बोले, भरमाइए नहीं, हम लोग भरमने वाला नहीं है। 10 लाख 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, दम मिलेगा जो है। तेजस्वी यादव जो है जरूर कहे हैं वो करते हैं जो है, इसलिए वो मतलब भागने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जो है एकदम चप्पे चप्पे माननीय श्री लालू प्रसाद जी के जन्मे हुए पुत्र हैं, समझ के जो धरातल से नीचे से जमीन से जो आए हैं उन्हीं का पुत्र हैं, उस उद्यम जरूर मैंने करने का काम करेंगे। बिल्कुल, अब देखना यह है कि क्या होता है बिहार में। आप लगातार मेरे साथ बने रहे हैं, आप देख रहे हैं सीके टीवी इंडिया न्यूज चित्रंजन कुशवाहा के साथ, बिहार के राजधानी पटना राजभवन से। नमस्कार, जय हिंद।